आंगनबाड़ी मेनाठेर में मोक्षधाम बनाने के संबंध में ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मोक्षधाम बनाने की मांग उठाई। ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि गांव आंगनबाड़ी मेनाठेर वार्ड नंबर 11 में लगभग 3 से 35 हजार की हिंदू आबादी है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। आसपास में कोई भी मोक्षधाम मौजूद नहीं है। काफी लंबे समय से गांव वाले प्रशासन से मोक्षधाम बनाने की मांग करते आ रहे हैं। गांव वाले लोकोशेड वाले मोक्षधाम पर जाकर किसी की मृत्यु हो जाने पर संस्कार करते हैं। इससे गांव वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मोक्षधाम आंगनबाड़ी मेनाठेर से 8 किलोमीटर दूर है। शहरी क्षेत्र होने के बावजूद हमें मूल सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। ग्रामीण ज्ञापन के माध्यम से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी मेनाठेर में मोक्षधाम बनाया जाए, ताकि गांव वालों की समस्या का समाधान हो सके। ज्ञापन देने वालों में अशोक कुमार, विजय सिंह, कपिल कुमार, जयपाल सिंह जाटव, वीर सिंह, विजेंद्र, रोहित, खड़क सिंह, शेर सिंह, उत्तम सिंह, किशन सागर, प्रवचन, राजेंद्र, सोनू, सुरजीत सिंह आदि ग्रामीण मौजूद रहे। वार्ड नंबर 11 से मेनाठेर गांव में रहते हैं सर। क्या समस्या है आपके? समस्या सर हमारे लिए ये कि ये वो नहीं है हमारे पास शमशान घाट साहब है ही नहीं सर। शमशान घाट जब है ही नहीं तो बताओ कैसे क्या बता सकते हैं, कब से नहीं है सर। क्या समस्या आ रही है शमशान घाट? समस्या यही है कि हम एक दूसरे के उसमें जाते हैं, हम जहाँ भी हमारे डोडी डोडी होती है कोई तो हम कहीं दूर जाना पड़ता है हमें सर। यहाँ से कम से कम साहब 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है वहाँ। जी हाँ, सर कह रहे हो तो हमने कई जगह गए थे लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं किसी बात की भी। आज कौन सा अधिकारी से मिलने आए? हम सर इनसे गुम्बर साहब से मिलने आए, इन्होंने बुलाया जी। कर दी थी? कर दी साहब। और दूसरी बहुत बड़ी समस्या, मेनाठेर क्षेत्र जो वार्ड नंबर 11 पड़ता है, नगर निगम में आता है, 30,000 की आबादी का क्षेत्र है, यहाँ पर कोई शमशान घाट नहीं है। जब जब इन्होंने मांग करी तब तक इस कान से सुनी इस कान से सुनी। ये लोग हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये मांग कर रहे हैं शमशान घाट की, लेकिन शमशान घाट नहीं बन रहा। कहाँ ले जाएं अपनी डेड बॉडी को? आप कहते हो नाली में नदी में मत बहाओ। यहाँ से घर जाने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। जो ये कोरोना की 2-2 लहरें आई हैं, 50 से ऊपर मौतें इनके गांव से हो गई हैं। कोई अधिकारी ने आके जूं नहीं रहेंगे। अभी श्री मुख्यमंत्री जी आए थे, वो सिर्फ मनोहरपुर गांव गए, 2-3 गांव देखे, आ गए वापस। थोड़ा सा 5 कदम और अगर अधिकारी बता देते कि यही भी कुछ साथ में ही आपका मेनाठेर वहाँ लगा हुआ, वहाँ भी चले जाते, पता चलता कि कोरोना से कितने लोग वहाँ पे उसमें बीमार हैं। कांग्रेस पार्टी ने घर घर जाकर दवा बांटी है इनको, कम से कम 300 पैकेट इनको दवा बांटी है कांग्रेस पार्टी ने, श्री अजय सारसा सोनी जी के नेतृत्व में, अब्बास जी के नेतृत्व में, हमारे असद मलाई के जी के नेतृत्व में, मुशाहिद चौधरी के नेतृत्व में। आज ये हमने शमशान घाट की मांग जिलाधिकारी से करी है। है ही नहीं, अभी तक है ही नहीं। ये कम से कम पहले 10 बार बीजेपी के अधिकारियों से मिल चुके हैं। अब वो क्या है कि नीचे टेबल से कुछ चीज़ मांगते हैं, वो इनके पास गरीबों के पास है नहीं। अब ये मजबूर होकर हमारे सोनी जी के पास आए। सोनी जी ने सारी पार्टी के नेताओं को इकट्ठा किया और मुझे आज बहुत बड़ी खुशी की बात है, जो पार्टियां हम पर ये मतलब आरोप लगाती हैं हिंदू मुस्लिम की, आज ये मांग शमशान घाट की मांग हमारे मुस्लिम लीडर कर रहे हैं। ये है फूलों का गुलदस्ता, इसे बोलते हैं गंगा जमुना सरस्वती।